नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अमेरिका के विदेश मंत्री ने जो कुछ भी कहा है उसे आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए, और उसको सुनने के बाद आप एक निर्णय पर जरूर पहुंचेंगे, और वो ये है कि अमेरिका राजनयिक रिश्तों को कायम करना जानता है, उसको बना के रखना जानता है, और उसको कैसे विस्तार देना है ये भी जानता है, और जानना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी गंभीर देश, मजबूत देश किसी दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध बनाने वक्त हर एक पहलुओं पर सोचता है, अपने और जिस देश के साथ वो संबंध बना रहा होता है उसके हितों को ध्यान में रखते हुए राजनयिक मुहिम को आगे बढ़ाया जाता है, न कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जैसा व्यवहार भारत के साथ कर रहे हैं और वहाँ का विदेश मंत्रालय वैसा व्यवहार किया जाए। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि एक ही मुद्दा है, पन्नू की हत्या कराने की साजिश आखिर में किसने कराई और किसने सुपारी दी थी, एक भारतीय का नाम किस तरीके से वहां पर लाया जा रहा है, और अगर ये जानकारी अमेरिका को मिली तो अमेरिका ने बाकायदा राजनयिक चैनल से इस पूरे मुद्दे को विदेश मंत्रालय के स्तर से, या यूं कहें कि सरकार के स्तर से उठाया, और भारत सरकार से यह आग्रह किया कि इस तरह की जानकारी मिल रही है, इनपुट्स मिल रहे हैं, आप इसकी जांच करा लीजिए, और जांच के बाद इस निर्णय पर पहुंचा जाए कि क्या यह कार्रवाई, अगर भारत के इशारे पर किया गया, उचित है या नहीं। बात वही है लेकिन कहने का अंदाज दूसरा है, और यही राजनयिक परिपक्वता की निशानी है। तो खैर, ये बात तो ये हुई। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय से जो संबद्ध हैं विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने एक बड़ा बयान तेल अबीब में दिया है, और वो ये कि भारत जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है अमेरिका के इनपुट पर, अमेरिका उससे पूरी तरीके से संतुष्ट है। मतलब अमेरिका ने पन्नू के संदर्भ में जो भी जानकारी दी है उसको भारत ने संज्ञान में लिया है और उसकी जांच करा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से और खास करके विदेश मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हिट करने की पॉलिसी भारत की है नहीं। हिट करने का मतलब किसी दूसरे देश में जा करके किसी भारत विरोधी को मरवाने की कोई योजना और कोई रणनीति या किसी दूरगामी रणनीति पर भारत कभी काम करता ही नहीं, बल्कि जहां भारत विरोधी गतिविधियां चल रही होती हैं वहां का मुद्दा उठाता है, डॉजियर के माध्यम से तमाम वो सबूत पेश करता है, ऐसा वो अपने धुर विरोधी या यूं कहें दुश्मन पाकिस्तान के साथ भी करता है। कितने डॉजियर्स गए हैं भारत विरोधियों के संदर्भ में, लेकिन आज तक पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता। हालांकि ये बात और है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से भारत विरोधियों की एक एक करके अज्ञात लोगों द्वारा हत्या की जा रही है, पाकिस्तान मुश्किलों में फंसता दिख रहा है, उसकी परेशानियां बढ़ रही हैं कि आखिर में ये हत्याएं करवा कौन रहा है। बोलना तो पाकिस्तान भी चाहता है लेकिन बोले भी तो क्या, क्योंकि जो लोग मारे जा रहे हैं वो आतंकी हैं और कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया के कई प्रमुख देशों के हिटलिस्ट में है, वो आतंकियों की श्रेणी में है, तो पाकिस्तान कुछ बोल ही नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से खालिस्तान अलगाववादी निज्जर और पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर, निज्जर की तो हत्या हो गई, पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर के कनाडा ने अमेरिका के बहाने एक बड़ा सवाल भारत के सामने उठाया, उसी के बाद एंटनी ब्लिंकन का यह बयान कम से कम एक नजीर की तरह ट्रूडो को देखना चाहिए। ट्रूडो ने इतनी बड़ी मुहिम पिछले 3 से 4 महीनों के दौरान चलाई है, सितंबर के बाद से ही आप कह सकते हैं, जिसमें वो लगातार कह रहे हैं कि भारत के खुफिया एजेंटों ने आतंकी, खालिस्तानी आतंकी कहिए आप, निज्जर की हत्या करा दी। सवाल यह है कि बिना प्रमाण के, और प्रमाण भारत मांगता रह गया, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से लेकर विदेश मंत्री तक प्रमाण मांग चुके हैं, लेकिन ट्रूडो है कि मानते नहीं। और जब अमेरिका ने पन्नू के कथित हत्या की साजिश में किसी भारतीय के होने का सबूत दिया, उस पर भारत आधिकारिक तौर पर कार्रवाई कर रहा है, उसकी जांच कराएगा, जांच कराना शुरू कर दिया है, और जब यह जानकारी अमेरिका के विदेश विभाग को लगी
तो एक सधे हुए अंदाज में एक विदेश मंत्री की हैसियत से एंटनी ब्लिंकन ने सिर्फ इतना कहा कि भारत को हमने सूचना दे दी, भारत उसकी जांच कर रहा है, हम जांच से संतुष्ट हैं, जो भी उसकी फाइंडिंग्स आएंगी उसके बारे में आगे बोला जाएगा। देखिए एक विदेश मंत्री किस तरीके से सधे हुए अंदाज में किसी अपने पड़ोस दूसरे देश, आप पड़ोसी भी उसमें शामिल है, उसके साथ संबंध को कायम रखने के लिए जटिल से जटिल मुद्दों पर मध्यम मार्ग का रास्ता अख्तियार करके कोई बात कहता है ताकि एक पॉजिटिव दबाव भी बनाया जा सके और जिस देश पर दबाव बनाया जा रहा है उसके साथ संबंध भी ना खराब हो। और दूसरी तरफ भारत ने भी उस दबाव की राजनीति को किस तरीके से फ्यूज किया है आप देख सकते हैं, क्योंकि भारत ने कहा कि सिद्धांततः भारत इस तरीके से हिट पॉलिसी में विश्वास नहीं कर सकता। हिट पॉलिसी मतलब किसी दूसरे देश में जाकर किसी को मरवाने की हमारी कोई योजना नहीं है, ना कभी रही है और ना आगे रहेगी। हम लेजिटिमेट तरीके से भारत विरोधी तत्वों को कुचलने में विश्वास रखते हैं और जहां पे वो सरगर्म होते हैं वहां की सरकार से हम कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कार्रवाई नहीं होने तक एक पॉजिटिव दबाव भारत की तरफ से बनाया जाता है। भारत ने भी उसका जवाब दे दिया। ये जवाब राजनयिक स्तर पर सधे हुए अंदाज में दिए क्यों गए, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा। तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि भारत और अमेरिका दोनों एक रणनीतिक सहयोगी हैं और दो रणनीतिक सहयोगी एक अपेक्षाकृत छोटे मुद्दे पर अपने संबंध को खराब करने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाते। जिस तरीके से भारत और कनाडा एक व्यापारिक सहयोगी रहे हैं, कमोबेश वो कूटनीतिक सहयोगी वो रणनीतिक सहयोगी भी हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रूडो निज्जर की हत्या के बाद उबल पड़े और खालिस्तानियों के दबाव और उनके फंडिंग से परेशान होकर के जिस दबाव में वो आए उसके बाद तो उन्होंने भारत विरोध का एक रास्ता ही अख्तियार कर लिया और आज भी जिस रास्ते पर वो आगे बढ़े वो रुक नहीं सके। सवाल ये है कि ट्रूडो को अपने पड़ोसी देश अमेरिका के राजनयिक मुहिम की धार को देखनी चाहिए, समझना चाहिए और भारत जैसे देश जिसकी ताकत को अमेरिका समझ रहा है और आने वाले समय में उन चुनौतियों का सामना करने के लिए जिस तरीके से भारत की जरूरत अमेरिका को पड़ेगी इसलिए वो भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकता और इसीलिए किसी भी जटिल मुद्दे पर जैसे पन्नू के कथित हत्या के साजिश में किसी भारतीय के शामिल होने की बात सामने आ रही तो सीधे सीधे अमेरिका ने कहा कि भारत को जानकारी दे दी गई है, भारत उसकी जांच करा रहा है और हम अर्थात अमेरिका जांच से पूरी तरह संतुष्ट है। अब इसमें भारत ने भी जवाब दे दिया, ये जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, दोनों देश जो भी इसकी फाइंडिंग्स आएंगी जांच की वो साझा करेंगे और उस पर कार्रवाई होगी। शायद ट्रूडो को इस पूरे घटनाक्रम से सबक लेना चाहिए और भारत के साथ रिश्ते सुधारने की एक बड़ी कवायद करने की दरकार है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो रिश्ते खराब होंगे और रिश्ते खराब होने की स्थिति में कनाडा को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, करना तो भारत को भी पड़ेगा लेकिन कनाडा को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और व्यापारिक रिश्ते खराब होने से कनाडा का नुकसान ज्यादा होगा। समय की मांग है बदलती हुई परिस्थितियों में भारत के साथ कनाडा से भी संबंध सुधरे, अमेरिका से जो संबंध है वो बरकरार रहे, लेकिन जिस तरीके से खालिस्तान के मुद्दे पर ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में वहां पर भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, खालिस्तानियों के द्वारा चलाई जा रही हैं, अगर ये तीनों देश भारत के रणनीतिक सहयोगी हैं जो कि हैं तो फिर इन तीनों देशों को ये समझना होगा कि भारत उनके जमीन पर अपने देश के खिलाफ हो रही तोड़फोड़ की गतिविधियों को, आतंकी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।